सरकार इतना कर रही है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता ना कुछ कुछ बयान, जैसे नूपुर शर्मा वाला एक बयान हो गया, उसका तमाशा बन गया एक ज़बरदस्ती का। कश्मीर को लेकर एक अब बयान आया, सुनिए जरा। केंद्र की जिम्मेवारी होती है, जम्मू कश्मीर की बात करें, केंद्र का ही अभी पूरा देख रेख है, तो अभी तक जो क्लियर हुए उसको क्यों रोका गया? वहाँ केंद्र की एजेंसी फेलिंग है, वहाँ केंद्र की जो सुरक्षा है वो फेलिंग है, अंदर लगातार क्लियर होती जा रही है, फिर भी आप कहते हैं अच्छा हो रहा है। मेरी आप बात सुनिए, किसी के घर में जिम्मेवारी कौन लेगा? इन हत्याओं में किसी का बेटा चला गया, किसी की बेटी चली गई। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, जिम्मेवारी कौन लेगा? मेरी बात आप समझिए, आप लोग इन हत्याओं की जिम्मेवारी लेते हैं, ये जो हाई लेवल मीटिंग इस समय हो रही है, क्या समय रहते ये नहीं होना चाहिए था? जो भी अंतिम फैसले लिए जाने थे आतंकवाद के खिलाफ, वो पहले ये फैसले लिए हुए हैं, तभी इस बात पे रोक है। ये जो छोटी क्लिक्स हो रही हैं, ये इसकी जिम्मेवारी बिल्कुल, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये सरकार की ऊपर भी इसकी बात आती है, एडमिनिस्ट्रेशन की ऊपर भी बात आती है। अगर ये क्लिक्स हो रही हैं तो उसके रोकने का प्लान, असल में इन क्लिक का मकसद पीछे क्या है? मकसद ये है कि 90 की तरह पे यहाँ पे जो पलायन है वहां से सारे लोग फिर वापस जम्मू को आए। हमारा ये है कि हम पलायन को भी रोकें और इन घटनाओं को भी रोकें। लेकिन कुछ लोग वहां से निकल गए, और आप जब वाकई में इन्हें छिटपुट घटनाएं कहेंगे, किसी की हत्या हो जाती है, ये छिटपुट घटना का मतलब ये है कि जिस इलेक्ट्रिक किलिंग को छिटपुट की तरह से हो रही है ना, कोई आदमी अगर घर से जाके तमाचा लेके, कोई पिस्तौल लेके जाके गन फायर किसी के ऊपर जाके कर देगा, तो वो उग्रवाद की बड़ी घटना। तो आप नहीं कह सकते कि 47 लेके कोई आया, ग्रेनेड लेके कोई आया, आर्मी पे किसी ने हमला किया, ऐसी बात नहीं है। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि आने वाले वक्त में इन सब चीजों पर कंट्रोल। बात सही कही लेकिन थोड़े से शब्दों में गड़बड़ हो गई, तो इसका भी आज विवाद बन गया कि छुटपुट घटना है ना। इतना कहने की आवश्यकता नहीं थी, ये कहना था कि भाई जो मोड है वो बदल गया है, और पहले की तरह कई सारे एक साथ जो मास किलिंग्स होती थी वो नहीं हो रही है ना? बस इतना काफी था। तो मित्रों, हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, हमारा आज का लाइव आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फोन पे के माध्यम से सपोर्ट करना, कॉन्ट्रीब्यूट करना, अपनी फीस भरना बिल्कुल मत भूलिएगा। भीम UPI एड्रेस है nshuklain@upi। जो लोग भारत के बाहर हैं वह patreon.com/nitinshukla पर और paypal.me/nitinshukla GWL पर कंट्रीब्यूट कर दे।